अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रानीज किचन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से रहे, आबाद रहे, खुश रहे। आज हम आलू का एक स्नैक्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने उबाला हुआ एक आलू ले लिया। इसको अच्छा से हम इस तरह मैश कर लेंगे, अच्छा से हम इसको मैश करेंगे। मैंने अच्छा से क्रश कर लिया। फिर से इस तरह की सन्नी है ना, इसी में लेकर इस तरह अच्छा से क्रश करने से इस तरह की एकदम फाइन पेस्ट हो जाएगा इस तरह की। तो मैं इसको करके फिर दिखाती हूँ। हमारा आलू इस तरह के एकदम फाइन होना चाहिए। आप कैसे भी करके इसको अच्छा से मैश कर लेना। इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। दो चम्मच भर के हमने डाल दिया। अब जितना चाहिए हम उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हम लाल मिर्ची, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा चटपटी के लिए हमने डाल दिया। अच्छा से इसको एक डो बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, बहुत ही कम। आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। अच्छा से हम इसको डो बना लेते हैं। मैंने दो चम्मच डाला था, तो और भी थोड़ा चाहिए हमें। फिर इसमें डेढ़ चम्मच डाल देंगे और देखेंगे कितना हमें चाहिए। डो बन के रेडी हो गया। आप इसी टाइम थोड़ा सा नमक सेक कर सकती हो। तो अब इसको अच्छा से कैसे बनाते हैं उसको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह के एक बर्तन ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हम अच्छा से इस तरह लगा देंगे। इस तरह फैलाएंगे। आप कोई भी शेप दे सकती हो। हमने इस तरह की शेप दे दिया। आप लोग कोई भी शेप दे सकते हो, कैसे भी ये काट सकती हो। मैंने ऊपर से थोड़ा सा कलौंजी लगा दिया, ये देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए व्हाइट तिल भी डाल सकती हो। तो इसको इस तरह दबा देने से अच्छा से ये सेट हो जाएगा। मैंने इस तरह की ढक्कन ले लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लिया। अब इस तरह काट के एक शेप दे देते हैं, इस तरह के होंगे। आप किसी से भी काट सकती हो। इस तरह ढक्कन भी है, इस तरह ढक्कन है। आपके पास अगर कोई डिज़ाइन वाला है उससे भी आप काट सकती हो। तो मेरे पास नहीं है, मैंने ढक्कन से काम चला लिया। इस तरह हम काट के इस तरह की शेप हम दे देते हैं। तो हम पूरा काट लेते हैं। मैंने इतना सारा बना लिया। एक आलू से जितना हुआ मैंने उतना ही बना लिया। आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकती हो। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया तेल गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे फिर मीडियम कर देंगे। मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने मीडियम कर दिया। अब एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। मीडियम टू हाई करके इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद मीडियम कर देना गैस को। दो मिनट तक इसको इसी तरह रख देंगे, फिर पलटाएंगे। अपने आप ऊपर आ रहा है, अब इसको हम पलटाएंगे। तो इसी तरह दो तीन मिनट करके हम दोनों तरफ फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी जब हो जाएगा तब हम निकाल देंगे। थोड़ा सा काला रहने से 4-5 मिनट में ये स्नैक्स बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह की काला रहने से हम अब इसको निकाल देंगे। इतना खस्ता हुआ है।
मेरा पोटैटो का स्नैक्स रेडी हो गया। कितना अच्छा से बन गया खस्ता, अंदर से नरम। मैंने मायोनीस और चिली सॉस से एक सॉस मिला लिया। इस तरह खाने से बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।